नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पोस्ट पर। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का सातवां सवाल। इससे पहले के सवाल अपन पूरे कर चुके हैं और प्रश्नावली 13 और मतलब पिछले लगभग प्रश्नावली पूरी कर चुके हैं, है ना। अभी तक आपने नहीं देखी तो देखना, है ना। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये प्रश्नावली अब मतलब 11.1 के नाम से, पहले 13 मतलब 12.2 के नाम से थी, है ना। तो इस सवाल में अपन को दिया हुआ है कि एक 120 डिग्री का कोण अंतरित किया हुआ है तो और 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। इसमें अपन को वृत्तखंड का संगत वृत्तखंड, ये संगत वृत्तखंड यहाँ से ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं इसमें, तो इसमें आर का मान अपन को दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री और पाई का मान भी दिया हुआ है इसमें 3.14, और अपना रूट का मान भी दिया हुआ है। तो रूट 3 बराबर 1.73, सब मतलब सबका मान दिया हुआ है ना। तो अपन सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको आप सोचा होगा कि 120 डिग्री का कोण कैसे निकालेंगे। वह तो अपना साइन साइन 60 और साइन 120 दोनों का मान बराबर होता है, √3/2, है ना। दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं, तो वही रखेंगे अपन। तो निकालते हैं अपन, तो इसमें हमें निकालना है लघु या फिर संगत संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके सूत्र मैंने सारे अपन को पहली वीडियो में लिखाए थे, है ना। तो मैं लिखता हूँ इसमें, इसका सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें अपने आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर बाद में सोल्व करेंगे इसको। तो आर स्क्वायर बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस 1/2 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन थीटा, ठीक है। इसमें मान रखते हैं अपन, तो आर स्क्वायर का मान 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12, थीटा का मान 120, तो 120/360 इंटू पाई का मान 3.14 माइनस 1/2, और साइन थीटा का साइन 120 हो जाएगा। 120 का मान अभी लिखा है था मैंने, √3/2, है ना। इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये 12 को 12 से गुणा करेंगे तो जाएगा 144, और इसको काट देंगे हम, 0 0 कट गया, 12 से कट जाएगा 3 बार, तो ये आ गया। इसको भी गुणा कर देंगे साथ में, 3.14/3 आ गया, है ना। अभी तक सोल्व कर लेंगे अपन 1/2, और साइन 120 का मान √3/2, है ना। तो √3/2, अब इसको गुणा कर लेंगे अपन आगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा 144/3.14/3 माइनस √3 का मान भी रख ही देंगे यहाँ पे रख देता हूँ ना, तो 1.73, तो ये हो जाएगा 1.73/4। अब 3 और 4 का लस आ जाएगा, 12 आ जाएगा लस दोनों का, तो इधर करता हूँ, है ना। तो बराबर 144 और इसका लस आ गया 12, लस आ गया इसका, है ना। लस आ जाएगा 12, तो 12 को 3 का भाग देंगे 12 में, और पे आ जाएगा 4, 4 को 3.14 से गुणा करेंगे अपन, तो आ गया अपना 12.56 माइनस। अब 12 4 का भाग देंगे उन 12 में, और 12 को 1.73 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 5.19, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, तो ये बच गया 144। अब इसको घटा देंगे इसमें से, तो 12.56 में से 12.56 में से 5.19 को घटाएंगे तो बच जाएगा अपना 7.12/12, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे अपन, तो इसको आगे सोल्व करने पर 12 से 144 कट जाएगा 12 बार, तो 12 × 7.12 ये आ गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
ये अपना लघु वर्तमान का क्षेत्रफल आ गया। अगर इसमें से अपन को दीर्घ वर्तमान का निकालना हो तो इसको पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा देंगे तो वही दीर्घ वर्तमान का जाएगा। पर से पूछा नहीं है तो बताया नहीं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।